हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पॉलीमर जो चैप्टर है ना क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का, उसके माइंड मैप और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। माइंड मैप में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ना, ये जो पॉलीमर चैप्टर है उसमें क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट आता है। जस्ट क्विक रिवाइज करेंगे पहले। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, बहुत सारे बेसिस से फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स देख लेते हैं, जिसमें कि नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक के थ्री टाइप्स आते हैं। अब नेचुरल तो सभी जानते हैं, नेचुरल फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें कि प्रोटीन सेलुलोज आ सकते हैं। अब सेमी सिंथेटिक जो है ना, सेलुलोज के डेरिवेटिव होते हैं। अब एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो होता है, मोस्ट आईएमपी भी बोल सकते हैं, सेलुलोज एसिटेट, जिसको रैन भी बोलते हैं। और सिंथेटिक यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो, जिसमें प्लास्टिक, पॉलीथीन, नायलॉन 6 एंड बुनाइस बोले तो, ये सभी एग्जांपल आते हैं सिंथेटिक में। अब ये सोर्स के बेसिस पे तो हो गया, फिर स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि लीनियर, ब्रांच एंड क्रॉस लिंक। अभी लीनियर पॉलीमर तो सभी जानते हैं, लीनियर होंगे, उसको कोई भी ब्रांच नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो लीनियर में पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन आता है। अब ब्रांच जो होती है ना, उसको ब्रांच होता है, कहीं पर कोई ब्रांच लग जाती है पॉलीमर में, तो ब्रांच चेन उन्हें कहलाते हैं, जो कि लिनियर ही होते बट विद सम ब्रांचेस, जिसका एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीथीन भी हम ले सकते हैं। अब क्रॉस लिंक जो है ना, वो बेकलाइट, मेलेमाइन, जो कि बाय ट्राई फंक्शनल मोनोमर से फॉर्म होता है, जो कि क्रॉस लिंक बोलते हैं उसको। तो एक क्लियर अप हो गया स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के भी बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें एडिशन एंड कंडेंसेशन, ये दो कॉमन टाइप्स होते हैं। अब एडिशन तो रिपीटेशन यानी कि रिपीटेशन, एडिशन ऑफ मोनोमर विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड, रिपीटेड एडिशन होती है एडिशन में। और कंडेंसेशन में क्या होता है, रिपीटेड कंडेंसेशन ऑफ टू डिफरेंट बाय ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, दैट इज एग्जांपल गिवन है टेरिलिन डैक्रॉन। अब जो एडिशन है ना, एडिशन में होमो और को पॉलीमर दो टाइप के होते हैं। अब होमो पॉलीमर में तो एक्चुअली सिंगल मोनोमेरिक स्पेसिस ही होते हैं, होमो मतलब सिंगल ही, बट को पॉलीमर जो होते हैं ना, उनमें टू डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं, जो कि बुनाइस का एग्जांपल हम ले सकते हैं। होमो पॉलीमर में पॉलीथीन सिंगल ही मोनोमर जो जानते ही ये। अब को पॉलीमर में बुनाइस, इसमें टू डिफरेंट होते हैं ना मोनोमर, तो इसलिए ये दो रिपीटेड एडिशन से एडिशन पॉलीमराइजेशन हो गया। ये क्लियर अप टू एडिशन एंड कंडेंसेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे भी। अब देखिए, मॉलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे क्यों क्लासिफाई किया उन्होंने, तो एक तो इलास्टोमर्स, जो कि जानते हैं रबर लाइक जो होते हैं ना, उसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है और ज़्यादा ब्रेक भी नहीं होते इजीली। और आपने बाकी के थर्मोप्लास्टिक तो देखी होगी, प्लास्टिक बॉटल, वो कुछ अलग टाइप का पॉलीमर है। फिर फाइबर और थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग जो बैकलाइट इसका एग्जाम्पल है। थर्मोसेटिंग एक्चुअली क्रॉस लिंक ब्रांच होते हैं और परमानेंट होते हैं, परमानेंट क्रॉस लिंकिंग ऑन हीटिंग, इसमें कोई चेंज नहीं होता। बट थर्मोप्लास्टिक को हम रिशेपिंग कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं ऑन हीटिंग से, हार्ड ऑन कूलिंग, कूल करने के बाद वो हार्ड होते हैं। जैसे कि पॉलीथीन, आपने कई बार जलाया होगा पॉलीथीन को, हीट किया होगा तो वो एकदम सॉफ्ट होती है, फिर उसको हम शेप दे सकते हैं कैसा भी। कूल होने के बाद फिर से वो उसके शेप में आती है। जलाना नहीं, ओनली हीट करना, हीट करने के बाद ही होते, जलाओगे तो फिर जल के राख हो जाएगी। और फाइबर्स में तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, फाइबर, पॉलिएस्टर फाइबर जनरल यूज किए जाते हैं। और इलास्टोमर तो है ही रबर, जैसे कि बुनायन, मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ रबर लाइक सॉलिड इलास्टोमर्स का। तो ये हो गया मॉलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट जो है ना, टाइप्स आते हैं पॉलीमराइजेशन के। टाइप्स तो मेनली दो ही होते हैं, एडिशन चेन ग्रोथ भी बोला जाता है उसको, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये दो टाइप्स होते हैं पॉलीमराइजेशन की। अब देखिए, एडिशन तो सभी जानते हैं, डिफरेंट सेम और डिफरेंट अनसेचुरेटेड मोनोमर को ऐड किया तो एडिशन हो गया, होमो पॉलीमर, को पॉलीमर, देखा है ना। अब कंडेंसेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें सीरीज ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, जो कि बाय फंक्शनल मॉलिक्यूल्स के साथ विद लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स होती है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, नायलॉन 6 बेकलाइट, जो कि कंडेंसेशन से फॉर्म होती है, और एडिशन के पीवीसी तो बताए पहले मैंने। अब देखिए, एडिशन में फर्दर टाइप आते हैं कुछ। एक एडिशन में ना सिंथेटिक रबर है, जो कॉमन एडिशन के एग्जांपल्स बोल सकते हैं हमें, सिंथेटिक रबर
नेचुरल रबर, टेफ्लॉन एंड पेन। पेन यानी कि पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, याद रखना पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। इस पे पूछा जाता है कभी कभी, पीए यानी एडिशन और कंडेंसेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन का टाइप है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो सिंथेटिक रबर में ना एक्चुअली क्लोरोप्रिन जो कि, और न्योप्रिन भी, मतलब न्योप्रिन जो है ना उसी का एक क्लोरोप्रिन इसका यूनिट होता है। और आइसोप्रिन देखा है ना आपने, नेचुरल रबर आइसोप्रिन, नेचुरल रबर जो है ना उसका आइसोप्रिन जो यूनिट होता है मोनोमेरिक यूनिट। और टेफ्लॉन यानी कि टेट्राफ्लोरोइथिलीन जो कि हमने क्लास टेंथ में भी देख चुके हैं हम, टेट्राफ्लोरोइथिलीन टेफ्लॉन क्लोटिंग जो करते हैं ना उसमें टेफ्लॉन का यूज होता है। और ए पेन पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। अब देखते हैं आगे क्या है, आगे जो कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ है ना उसके बारे में। अब कंडेंसेशन में ना एक्चुअली मैंने तो ये डिफिनेशन बता दिया आपको, उसमें पॉलिस्टर बेकलाइट नायलॉन एंड नायलॉन 6 के जो 4 कॉमन बोल सकते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए ये जो है ना इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थेलिक एसिड, इनसे ही फॉर्म होता है पॉलिस्टर। और बेकलाइट में अगेन फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड, नायलॉन में मोनोमर क्यूप्रोलैक्टम, एप्सिलॉन क्यूप्रोलैक्टम भी बोलते हैं क्या, प्रोलैक्टम। और नायलॉन 6 एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामेथिलीन डायमिन, ये मोस्ट कॉमन है और आईएमपी भी है, ज़्यादातर पूछा जाता है ये नायलॉन 6 में है ना ये कैसे बनता है। तो एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमिन इन दोनों से बनता है। तो ये हो गया कंडेंसेशन के एग्जांपल। अब कोपॉलीमराइजेशन एक अनादर छोटा सा टॉपिक है। अब हमने तो होमो और को वैसा तो देखा ही था, अब होमो में तो वन ही होता है सिंगल, बट को में मिक्सचर ऑफ वन और मोर देन वन, मतलब मोर देन वन आलो होता है। वन तो ओनली होमो पॉलीमर के लिए, मोर देन वन होगा तो देखिए बेकलाइट पॉलिस्टर में देखा था ना टू थे, तो उनको पॉलीमराइज, टू मोनोमर्स होते तो उनको को पॉलीमराइजेशन बोलते। अब इसके ऊपर हम एमसीक्यू देख लेते हैं, चैप्टर तो फिनिश हो गया, उसको हमें माइंड मैप हो गया तो शेयर करूँगा। देखिए माइंड मैप कंसेप्ट मैप फुल यही मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैप, एक ही पेज पे जो है ना सभी एक क्लासिफिकेशन देखे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स स्ट्रक्चर मोड एंड मॉलिकुलर फोर्सेस हो गए। फिर टाइप्स जो होते हैं ना उसमें एडिशन एंड कंडेंसेशन, जिसमें एडिशन के A4, कंडेंसेशन के A4, और ये मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के देखे हमने होमोर को, और फिर एक को पॉलीमराइजेशन एक छोटा सा टॉपिक। तो बस इतना ही है पॉलीमर चैप्टर में, अब हम एमसीक्यू देख लेंगे इसकी, इसका चाहो तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। तो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ। तो एमसीक्यूज दोस्तों हम टोटल 15 एमसीक्यूज लेने वाले हैं जो कि ऑल पीवाईक्यूज है। 15 एमसीक्यू विद इन फ्यू मिनट्स, हम कुछ 4 से करीबन 5-7-8 मिनट ज़्यादातर। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई हेट्रोपॉलीमर फ्रॉम दिस लिस्ट पूछा है उन्होंने। अब हेट्रो तो सभी जानते हैं, देखिए पॉलीथीन में सिंगल मोनोमरिक यूनिट, टेफ्लॉन में भी सिंगल मोनोमरिक यूनिट होता है, और नायलॉन 6 में भी, तो बचा सिर्फ नायलॉन 6 जो कि करेक्ट आंसर है, जिसमें ना हेट्रोपॉलीमर बोल सकते हो उसको, और उसमें मोर देन वन यानी कि टू, आपको देखना है ना एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ कौन से टू यूनिट से। देखिए यहाँ पर इसके सोल्यूशन गिवन है, तो देखिए एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामेथिलीन डायमिन, मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं, ये जो यूनिट होते हैं इसलिए इसको हम होमो से हेट्रो बोल सकते हैं। देखिए बाकी के सभी तो होमो में आ सकते हैं, देखिए एक ही टाइप का है, इसलिए डी ऑप्शन फर्स्ट का एकदम करेक्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन जो है ना बेकलाइट के बारे में पूछा है। देखिए पॉलीमर अमंग द फॉलोइंग डज नॉट सॉफ्ट, देखा था ना हमने पहले सॉफ्ट नहीं होता है बेकलाइट, बेकलाइट जो कौन सा होता है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर, याद रखना बेकलाइट थर्मोसेटिंग हमने देखा है, आपको माइंड मैप दिखा दूँ क्या। देखते देखिए इस पूरे माइंड मैप ने ना सब कुछ आता है, देखिए सब कुछ। अब थर्मोसेटिंग का एग्जांपल देखिए यहाँ पर है ना, बेकलाइट का एग्जांपल मैंने गिवन दिया था आपको, देखिए एक बार जूम करके भी देख लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट तो लिया ही होगा ना आपने। अब ये सेकंड क्वेश्चन तो हो गया जिसका आंसर बेकलाइट है, तो ठीक है अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो क्यूप्रोलैक्टम यूज्ड इन, अब देखिए ये जो क्यूप्रोलैक्टम है ना मैंने बताया था क्यूप्रोलैक्टम देखिए नायलॉन 6 में यूज होता है, देखिए टेफ्लॉन टेरिलिन में तो नहीं होता और नायलॉन 6 में भी नहीं होता, यहाँ पर मतलब ऑप्शन कट भी हो सकते हैं ना। नायलॉन 6 में दो देखे थे ना हमने, जो कि एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामेथिलीन डायमिन, टेफ्लॉन में भी टेट्राफ्लोरोइथिलीन देखा ही था हमने, और जो टेरिलिन डेक्रॉन है आपने देखा ही, तो नायलॉन 6
प्रोलैक्टम सही है, एकदम राइट है डी ऑप्शन थर्ड का। अभी फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में पॉलीमर विच इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लिक्विड्स। अब देखिए पेंट्स में एक्चुअली ये जो ग्लिप्टल नाम का पॉलीमर है ना उसका यूज होता है पेंट्स में, वैसे भी पॉलीविनाइल क्लोराइड को का यूज करते हैं पेंट्स में और बैकलाइट तो नहीं होता और पॉलीप्रोपीन भी नहीं। ये जो ग्लिप्टल है ना एक्चुअली पेंट के लिए स्पेशली यूज होता है। एक्चुअली जेई मेन का पीवाईक्यू है, हमारे स्टेट बोर्ड में भी शायद गिवन नहीं होगा ग्लिप्टल, बट आपको पता होना चाहिए कि ग्लिप्टल नाम का पॉलीमर जो है ना पेंट्स के लिए यूज किया जाता है एक्चुअली, हम जो पेंट्स देते हैं ना उसके लिए। अब फिफ्थ नंबर का जो एमसीक्यू ना उसमें पूछा था कि टू मोनोमर्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डेक्स्ट्रॉन। और हाँ दोस्तों उससे भी पहले आपको एक बताना रह गया कि ये जो फोर नंबर का एमसीक्यू ना 336 पेज नंबर पे जो चार्ट है ना फुल, जिसमें स्ट्रक्चर्स गिवन है बहुत सारे, जिसमें ग्लिप्टल भी गिवन है, एक बार देख लीजिए वो इम्पोर्टेंट है, उसमें से एमसीक्यू आने के चांसेस हो सकते हैं। अब एक्चुअली ये ना दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन शायद हमारे बुक में भी गिवन नहीं कि जो डेक्स्ट्रॉन क्या है, बट इसका आंसर एक बार चाहो तो देख लीजिए, लैक्टिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड से डेक्स्ट्रॉन बनता है। अब सिक्स देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉलीमराइजेस टू फॉर्म पॉलीस्टर डेक्रॉन। देखिए पॉलीस्टर डेक्रॉन, पॉलीस्टर डेक्रॉन देखिए टेरेप्थेलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल जो कि डेक्रॉन के टू मोनोमर्स होते हैं, एकदम सी ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे देख लेते हैं, देखिए सेवन नंबर का एमसीक्यू पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देखिए कंडेंसेशन पॉलीमर पूछा है उन्होंने। अब देखिए एक्चुअली है ना ये जो सेवन नंबर का एमसीक्यू है ना, देखिए न्योप्रीन एडिशन से बनता है जानते हैं, टेफ्लॉन भी एडिशन से बनता है, और जो एक्रिलोनाइट्राइल पॉली एक्रिलोनाइट्राइल वो भी एडिशन से ही बनता है, सिर्फ एक्रिलोनाइट्राइल जो होता है ना उससे, बट ये जो डेक्रॉन है ना ये एडिशन से नहीं बनता है, कंडेंसेशन से बनता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो अब एट देखते हैं, एट नंबर के एमसीक्यू, नायलॉन इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखिए नायलॉन तो पॉली अमाइड ही होता है, पॉली अमाइड नायलॉन जानते हैं ना, उसमें जो अमाइड ग्रुप होता है पॉली अमाइड, ईस्टर, पॉलीथीन, पॉलीसैक्राइड, तो पॉलीसैक्राइड तो हो ही नहीं सकता। देखिए पॉलीअमाइड ऑप्शन एकदम करेक्ट। अब जो न्योप्रिन में मैंने बताया था, न्योप्रिन आइसोप्रिन में क्या क्या होता है, हमने बताया था आइसोप्रिन में है ना रबर होता है, मतलब रबर का आइसोप्रिन नेचुरल रबर। अब ये जो न्योप्रिन नाम का पॉलीमर है ना उसमें क्लोरोप्रिन यूज किया जाता है। अब देखिए ये क्लोरोप्रिन कौन सा है, ये ही ऑप्शन में क्लोरोप्रिन दिखाई दे रहा है एकदम यही राइट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होते हैं और ये सेकंड नंबर के कार्बन पे क्लोरीन, यानी कि ये ऑप्शन एकदम करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बी एज इट इज थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल आते हैं इसमें, मतलब भी याद करके जाओगे आप सब कुछ, एक बार देख लो जी फिर भी आपको आ जाएगा ये सब कुछ। अब जो यहाँ पर 10 नंबर का एमसीक्यू क्यों है ना, नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर पॉलीमर किसका है, आइसोप्रिन का है। अभी अभी तो देखा ना हमने, देखा ना आपने कैसे रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए अब नायलॉन 6.6 इज अ, अब देखिए नायलॉन 6, नायलॉन तो पॉलीअमाइड, क्लिक करके चलो आगे, पॉलीअमाइड होता है ना नायलॉन, दूसरा क्या है। अब 12 नंबर का देखते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स पूछा है उन्होंने। अब देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल सिल्क डिराइव फ्रॉम सेलुलोज, सही ये बात है सेलुलोज से ही सिल्क डिराइव होता है। अब देखिए रिपीटेड नेचुरल रबर का आइसोप्रिन भी सही है, और स्टार्च एंड ग्लूकोज आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, ये भी सही है, बट देखिए नायलॉन 6 इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर, ये कौन ने किसने बोला यार, ये तो फाइबर होता है नायलॉन का, तो देखिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट है जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, तो समझ आया ये भी। अब 13 नंबर का देखिए, जिगलर नाटा बहुत इंपॉर्टेंट, जी में भी पूछा जाता है कभी कभी, जिगलर नाटा कैटलिस्ट प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए जिगलर नाटा सभी ने हाई डेंसिटी पॉलीथीन में देखा ही होगा, देखिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन हाई रेजिस्टेंस प्लास्टिक, देखिए इसका डी ऑप्शन हाई डेंसिटी प्लास्टिक जो कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी बोल सकते हैं, ये रेजिस्टेंस लो तो ये नहीं है बिल्कुल, हाई डेंसिटी पॉलीथीन में जिगलर नाटा कैटलिस्ट के मदद से उसको हाई डेंसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, तो 13 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट, क्लियर ये हो गया। अब देखिए 14 नंबर के एमसीक्यू पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एब्सॉर्ब ओवर 90% ऑफ इट्स ओन मास ऑफ वाटर एंड अल्सो डज नॉट सिक टू वाउंड्स। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना इसके चार एमसीक्यूज है, अब देखिए इसका सही आंसर है ना सी है रेयॉन, क्योंकि मैंने बताया वो पेज नंबर पहले बताया था ना उसमें, देख लीजिए आपको ये जरूर मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं।
देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का 15 ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन इज क्लासिफाइड एज पॉलीस्टर पॉलीमर। देखिए पॉलीस्टर पूछा है ना, अब इसको कैसे सॉल्व करना। अब इसमें ऑप्शंस को इलिमिनेट करोगे फिर भी आ जाएगा, या फिर आपको पता होगा पॉलीस्टर तो टेरिलिन ही होता है ईस्टर का। अब नायलॉन 66 तो पॉलीअमाइड देखा है, ये यही पर कट होता है, और जो बेकलाइट एंड मेलेमाइन आता है ना वो फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड के रिलेटेड पॉलीमर होते हैं, तो इसलिए ये भी कट करना होगा हमें। और यदि आप पहले से जानते हैं पॉलीस्टर टेरिलिन तो यही पर क्लिक कर दिया तो हो गया फिनिश अप। ये ऑप्शन 15 के एकदम करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। अब देखिए मैं फिर भी एक बार लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि 336 पेज एक बार देख लीजिए, उसमें एमसीक्यू आ सकता है, इम्पोर्टेंट है 336 पेज, जिसमें कि बहुत सारे देखिए आपने एक बार देख लीजिए, मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा हूँ पर एक बार देख लीजिए 336 पेज नंबर, उसमें सब कुछ चार डिटेल में गिवन है। तो ठीक है दोस्तों, अब ये तो इसके सोल्यूशन है, एक बार ये भी देख लीजिए, आपको यदि मतलब उसके सोल्यूशन भी आगे मैंने शेयर किए। देखिए ये 18 नंबर का इसका स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल में सॉल्यूशन मैंने तो बिना सॉल्यूशन के आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट यदि किसी को चाहिए देखिए जिगलर नाटा कैटलिस्ट के बारे में मैंने बताया था ना, ये एज इट इज रिएक्शन, और ये तो रेयन हो ही गया जो कि अब हो गया अब सब करते हैं। अब ये माइंड मैप मैंने पहले भी शेयर कर चुका हूँ। तो ठीक है दोस्तों, 15-16 मिनट में हमने पॉलीमर चैप्टर फिनिश अप कर लिया विद एमसीक्यूज, 15 एमसीक्यूज लिए। तो ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे, नेक्स्ट बाकी के सभी चैप्टर्स देख लेंगे। ये पॉलीमर फिनिश अप हो गया।